मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सीएम योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस झोंकेंगे पूरी ताकत। प्रियंका गांधी की सीधी और दतिया में जनसभा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान निधि की 15वीं किस्त, करोड़ों किसानों के खाते में पहुंचे पैसे। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड के खूंटी पहुंचे, 7200 करोड़ की परियोजना की दी सौगात। सीएम ने पीएम से की अपील, जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए भी लाएं योजनाएं। उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर अधिकारी का बड़ा बयान आया सामने, नहीं बता सकते रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना लगेगा समय। राजस्थान के करणपुर विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत कुन्नर का निधन, चुनाव आयोग ने टाला मतदान, करणपुर में 25 नवंबर को नहीं होगा मतदान। दोस्त से दुश्मन बने एडवोकेट जय अनंत देहाद्राई ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बोला जोरदार हमला, कहा महुआ ने रॉलेक्स और फर्नीचर लिए, पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली में लिखे गए भाषण। तेलंगाना में बीआरएस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की हमले की निंदा। हरियाणा में जहरीली शराब मामले में बड़ा खुलासा, जेल से गैंगस्टर मोनू चला रहा था पूरा नेटवर्क, मोगली ने यूट्यूब से सीखी थी शराब बनानी। छठ पूजा के लिए चलने वाली ट्रेन रद्द, भड़के यात्रियों का पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर हंगामा, गाड़ी पर किया गया पथराव। मराठा आरक्षण के मांग के बीच आज से 9 दिन के लिए महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे मनोज जरांगे, जरांगे पाटिल समुदाय के लोगों के बीच जाकर लोगों को करेंगे जागरूक। इजराइल हमास जंग पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान, कहा इजराइल जो कर रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। इस बयान पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का फूटा गुस्सा, कहा इजराइल नहीं बल्कि हमास को ठहराना चाहिए जिम्मेदार। गजा के अल्पशिफा अस्पताल में इजरायली सेना की छापेमारी, हमास के आतंकियों से सरेंडर करने को कहा। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आने वाले मिनटों में शिफा अस्पताल परिसर पर कार्रवाई करेगा। ब्रिटेन के गृह सचिव स्वेला ब्रेवरमैन ने बर्खास्त होने के बाद ऋषि सुनक पर फोड़ा लेटर बम, कहा आप विफल रहे हमारे समझौते के साथ विश्वासघात। पाकिस्तान ने यूक्रेन को $36.5 करोड़ के हथियार बेचे, 2 अमेरिकी निजी कंपनियों के साथ सौदा किया था, पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार बेचने से किया था इनकार। जीवाश्म ईंधन का बढ़ता इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए खतरा, सूखा पड़ने से लाखों लोगों के भूखे मरने का खतरा पैदा होगा, यूरोप में अक्टूबर रिकॉर्ड पर सबसे गर्म महीना। पीएम मोदी ने किसान सम्मान की 15वीं किस्त जारी की, 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए 18,000 करोड़ रुपए। इससे पहले जुलाई में किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की गई थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ शुरू। टीम इंडिया 8वीं और न्यूजीलैंड 9वीं बार वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी। बीसीसीआई पर लगे टीम इंडिया को फेवर करने के आरोप, बीसीसीआई ने आरोप को खारिज कर कहा पिच आईसीसी की मर्जी से चुनी गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक की ऐश्वर्या पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बुरी तरह से हुए ट्रोल, एक्स पर मामला बढ़ा तो मांगी माफी, कहा जुबान फिसल गई। रणबीर कपूर के करियर की सबसे लंबी फिल्म होगी एनिमल, 3 घंटे 2 मिनट का है रन टाइम, इससे पहले संजू के नाम था यह रिकॉर्ड।